Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. We were discussing chapter number 2, Units and Measurement of Class 11th. तो चलिए start करते हैं जहाँ से हमने previous lecture में छोड़ा था. We discussed in our last lecture measurement, okay? जो chapter का नाम है Units and Measurement, तो हमने measurement के बारे में discuss किया था and measurement of large distances. जब बहुत बड़े बड़े distances हमें मेजर करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन का डिस्टेंस अर्थ से, किसी स्टार का डिस्टेंस अर्थ से, है ना, और या फिर किसी प्लैनेट का डिस्टेंस, किसी प्लैनेट का साइज अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो वो हम कैसे करेंगे, राइट? ये सब बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेज हैं, तो हमने डिस्कस किया था इसके लिए पैरेलेक्स मेथड. ये हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमें डिस्कस करना है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेज. ओके, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज. हमने कल लेंथ की कुछ यूनिट्स देखी थी. हमें पता है कि एक मीटर स्केल जैसे होता है, मीटर स्केल, तो हमने देखा था कि मीटर स्केल मैक्सिमम जो है 1 मीटर मेजर कर सकता है, 1 मीटर जो कंप्लीट होता है, और मिनिमम वो कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर की उसकी एक सबसे छोटी डिवीजन, जो स्केल हम यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, राइट, तो उसकी जो एक छोटी डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है, यानी कि 10^-3 मीटर. सो ये उस इंस्ट्रूमेंट की रेंज है. अगर हमारे पास मीटर स्केल है तो मिनिमम मैं उस इंस्ट्रूमेंट से ये साइज मेजर कर सकता हूँ, मैक्सिमम आई कैन मेजर 1 मीटर. ठीक है, अगर इससे ज्यादा हमें, अगर स्मॉल डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से भी छोटा कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमें अपने हेयर की लेंथ मेजर करनी है. अब बाल जो होते हैं वो तो बहुत ही पतले होते हैं, 1 मिलीमीटर तो उसके लिए बहुत बड़ा है, राइट? सो वी विल यूज अनदर इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कल. वर्नियर कैलिपर जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है, वो उससे एक स्केल और हमें डाउन आ सकते हैं, 10^-4 मीटर्स. ओके, यानी कि 1 मिलीमीटर को भी क्या करो, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और उसके भी एक पार्ट को वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है. ऑलराइट, और उससे भी अगर हमें कम मेजर करना होता है तो स्क्रू गोज, वी कैन यूज स्क्रू गोज जो कि 10^-5 मीटर्स ओके तक के स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता है, 10^-5 मीटर्स. ऑलराइट, सो ये भी स्मॉल डिस्टेंसेज हैं, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज. फॉर एग्जाम्पल एक एटम का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, ये सब हमें मेजर करने हैं. अगर कोई मॉलिक्यूल है, है ना, तो मॉलिक्यूल का साइज कितना है, ये हमें देखना है. वैसे तो इसे देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अब ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारी वहां पर हेल्प नहीं करेंगे, राइट? सो अब हम क्या यूज करेंगे, वी विल नीड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बारे में अभी हम देखते हैं, पहले हम रेंजेस ऑफ लेंथ को कवर कर लेते हैं कि क्या रेंज होती है लेंथ की. फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटॉन होता है, अब क्यों हमें इतने स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने हैं, क्योंकि अगर हम स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट देखें तो प्रोटॉन का साइज 10^-15 मीटर्स की रेंज में होता है. ठीक है, न्यूक्लियस का साइज ऑब्वियसली प्रोटोन से तो बड़ा होगा, बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटोन भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, तभी तो न्यूक्लियस बना है, राइट? सो न्यूक्लियस का साइज 10^-14 मीटर. साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम हमें पता है ना, स्मॉलेस्ट एटम है हाइड्रोजन एटम, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, है ना, सो अकेला प्रोटॉन ही होता है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, यही क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, राइट? सो साइज ऑफ एटम तो ये कंप्लीट बनेगा ना जहां तक इलेक्ट्रॉन है. So this size is 10^-10 meters, 10^-10 meters, जिसे हम 1 angstrom भी कहते हैं. ऑलराइट, इसे हम 1 angstrom भी कह देते हैं, 10^-10 meters को. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस, जो वायरस होते हैं, राइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 10^-7 इस मीटर्स, इस रेंज में होती है. तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो साइज जो इंक्रीज कर रहा है,
और अगर हम बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स की बात करें जिनकी हम देख चुके हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, है ना, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस सन का अर्थ से, राइट, डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन, एक प्लूटो वॉज अ प्लैनेट, प्लूटो को हम प्लैनेट मानते थे, तो इसका डिस्टेंस सन से कितना है, सो ये सब डिस्टेंसेज हैं। अगर हम कंप्लीट यूनिवर्स, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जितना हम देख सकते हैं, सो वो है 10^26 मीटर्स की रेंज में। ये सब साइज की हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट, ये सब रेंज है। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम फिजिक्स में छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो वी नीड कंप्लीट रेंज, है ना। हमारे पास मेथड्स होने चाहिए बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए भी, और ये स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई मेथड या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, राइट, ओके। बट आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली स्मॉल लेंस की ही बात करें तो ये दो यूनिट्स बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं। एक तो वन फर्मी, फर्मी जो होती है ना वो न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस फर्मी में रहता है, तो ये होता है 10^-15 मीटर्स, ओके, 15 थोड़ा अजीब बना है, 5, इसे हम कर देते हैं दोबारा से, 10^-15 मीटर्स, ये क्या होता है, 1 फर्मी के इक्वल हम मानते हैं, ठीक है, यानी कि 1 मीटर के इतने पार्ट्स हमें करने पड़ेंगे 10^15, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। इस रेंज में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो लगभग इसी रेंज में लाई करता है, 10^-15 मीटर्स का वो फैक्टर लगेगा, बट हम ये लगाने की बजाय हम सिंपली कह देंगे 1, ठीक है, 2 फर्मी मीटर, इस तरह से। तो फर्मी का मीन्स है कि फैक्टर लगेगा 10^-15 का। फिर अभी हमने बात की थी एंगस्ट्रॉम, राइट, एंगस्ट्रॉम क्या था, 10^-10, जब एक्सपोनेंट में क्या होगा, -10, अब 1 एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर्स होते हैं, ऑब्वियसली 1 एंगस्ट्रॉम इज अ स्मॉलर यूनिट, और एंगस्ट्रॉम की रेंज में क्या आ जाता है, साइज ऑफ एटम, क्योंकि न्यूक्लियस हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस तो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का होता है, राइट, तो वो और सेंटर में लोकेटेड होता है छोटे से साइज का, उसके राउंड अबाउट हमें पता है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एटम तो ये कंप्लीट बना है, तो एटम का साइज ऑब्वियसली इस न्यूक्लियस के साइज से काफी बड़ा होता है, 10^-10 मीटर्स की रेंज में हम पहुंच जाते हैं, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम भी कह देते हैं, ठीक है, 10^-10 मीटर से एक स्केल और अगर हम डाउन आते हैं 10^-9 मीटर, तो इसके लिए भी हम एक स्पेशल नेम रखा होता है ना, नैनोमीटर, राइट, अगर हम 10^-6 मीटर पर आते हैं सो वी यूज माइक्रोमीटर, राइट, और अगर हम इससे भी छोटा, 10^छोटा नहीं मतलब साइज तो बड़ा ही हो रहा है, 10^-3 मीटर्स, सो वो बन जाता है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो स्केल होता है उस पर एक छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर के ही इक्वल होती है, तो ये तो ऑब्जर्वेबल है, बट जैसे जैसे माइक्रो नैनो इस रेंज में जाते हैं, ओके, नैनो इज 10^-9, एंगस्ट्रॉम होता है 10^-10, ऑलराइट, एंड फर्मी इज 10^-15 मीटर्स, इस रेंज में हो जाता है, ऑलराइट, तो ये है स्मॉल डिस्टेंसेस और दो स्पेशल यूनिट हमने की, फर्मी और एंगस्ट्रॉम, ओके। नाउ वी विल सी सम लार्जर यूनिट्स। अभी हमने कल लार्ज डिस्टेंस की बात तो की थी, बट आज हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल जो यूनिट्स यहां पर हम यूज करते हैं। दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑलराइट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, हम ए यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ऑलराइट। अब हमें पता है कि अर्थ का अगर हम एग्जैक्ट ऑर्बिट देखें, या आप हायर क्लासेस में पढ़ते भी हैं कि इट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, तो होता ही नहीं, जैसे इलिप्टिकल बना है, और सन एग्जैक्टली सेंटर में भी नहीं होता है, सन कहीं यहां पर होगा, राइट, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो चेंज होता रहता है, कभी इतना है,
कभी ये है, कभी कुछ ऐसा होगा, कभी कुछ ऐसा होगा, तो डिस्टेंस फिक्स तो होता नहीं है सन और अर्थ के बीच में। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड अर्थ। लेट मी सी अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई है। सो यू कैन राइट कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे बोला गया है, जो सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है। ऑल राइट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज क्यों बोला गया है, क्योंकि सन और अर्थ या फिर किसी भी प्लेनेट को आप ले लो, किसी भी प्लेनेट के बीच में और सन के बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सन एग्जैक्टली सेंटर में है ही नहीं, है ना। ये तो सिर्फ इस पिक्चर में हम दिखा देते हैं, छोटी क्लासेस में हम यही पढ़ते हैं कि सन सेंटर में है, अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। सो इसीलिए हमें क्या लेना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होता रहेगा, यहाँ पर ज्यादा है, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर ज्यादा हो गया, है ना। तो हम सभी डिस्टेंसेस का एवरेज ले लेंगे, वो लगभग कितना आता है, 1.496 × 10^11 मीटर। अब इसे याद रखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, बट यू शुड नो द मीनिंग कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी में आपसे पूछा जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, इसकी वैल्यू याद नहीं रहेगी तो भी ये गिवन होती है क्वेश्चंस में, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट जो यूनिट हम यूज करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस के लिए वो होती है लाइट ईयर। अब ये नाम से ही क्लियर है, लाइट ईयर, ठीक है। सो द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर, वो डिस्टेंस होता है ये। तो अगेन ये भी लेंथ की ही यूनिट है, लाइट ईयर को आप, क्योंकि ईयर ऑब्वियसली टाइम होता है, तो आपने ये नहीं सोचना कि टाइम है, इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ की ही एक यूनिट है। हम लार्ज स्केल पर इसे यूज करते हैं। अब वन लाइट ईयर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यू नो द स्पीड ऑफ लाइट इज सी, यानी कि 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है ना। अब वन ईयर में टाइम कितना होता है, वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 365 डेज में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड। सो दिस इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर, है ना। एक सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 3 × 10^8। तो अब इतनी सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वन लाइट ईयर विल बी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10^8, और आप ये जो भी आएगा, जितनी भी सेकेंड्स से आती है वो हम यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर विल बी दिस, 9.46 × 10^15 मीटर्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया, 9.5, तो 9.46 को अप्रोक्सीमेटली हम 9.5 बोल सकते हैं, है ना। ट्रिलियन किलोमीटर्स, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिलियन, हम यूज करते हैं मिलियन, फिर यूज करते हैं बिलियन, बिलियन से भी बड़ा क्या, बिलियन, बिलियन से भी बड़ा क्या, ट्रिलियन, है ना। तो मिलियन में होती है 10^6, ये आपको पता ही होना चाहिए, मिलियन में होती है 10^6, फिर अगर बिलियन आता है तो पावर्स हो जाती है 10^9, ऑल राइट, एंड ट्रिलियन इज इक्वल टू 10^12, ओके, 10 मिलियन में 10^6 होती है, बिलियन में 10^9, ट्रिलियन में 10^12। तो यहां पर ये क्या हुआ, 10^12, और आगे किलोमीटर है, तो किलोमीटर में भी क्या होती है, 1000 मीटर्स होते ही हैं, तो जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^12 यहां से आएगा, 1000 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 10^15 बन जाएगा दोबारा से। ऑल राइट, सो यू कैन कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट करके भी देखना, एग्जैक्टली सेम आंसर आता है। याद नहीं रखना है, सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि वन लाइट ईयर का मीनिंग होता है कि लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वन ईयर में। ऑल राइट, थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट इज पारसेक, पारसेक, ऑल राइट, दिस यूनिट। अब इसका क्या मीनिंग है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट इसे हम ध्यान से देखेंगे। दिस इज अर्थ, अब इसकी जो यूनिट होती है, सॉरी डेफिनेशन जो है,
ये डेफिनेशन है कि जो वन पार्सेक इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जो अर्थ का एवरेज डिस्टेंस सन से, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और वो हमने कितना माना था, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सबसे पहले हमने यही पढ़ा ना, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. अब ये जो डिस्टेंस है, अब ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क करूं तो ये डिस्टेंस कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है. अगर मैं पॉइंट यहां मार्क करूं तो ये डिस्टेंस कुछ और एंगल बनाएगा, और एंगल का जो साइज है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. हम और दूर जाएंगे तो एंगल का साइज और भी कम हो जाएगा, जितना दूर जाएंगे एंगल का साइज कम होता जाएगा, ठीक है. तो हमें कितना दूर जाना है, हमें ऐसे जाते जाते एक वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर एंगल सबटेंडेड क्या हो, 1 सेकेंड के इक्वल हो. इसको 1 आर्क सेकेंड भी कह देते हैं. 1 बुक में अगर डेफिनेशन होगी तो ऐसा मिल सकता है, जब ये इतना एंगल सबटेंड करेगा, जिस डिस्टेंस पर इतना एंगल सबटेंड हो वो डिस्टेंस क्या होता है, 1 पार्सेक. ठीक है, 1 पार्सेक 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर्स. ये होता है, वैल्यू को नहीं रटना है, उसके मीनिंग को समझना है, ठीक है, कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है. वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा. अब जितने डिस्टेंस पर, ठीक है, जितने डिस्टेंस पर वो एंगल कितना बना दे, 1 सेकेंड. अब 1 सेकेंड बहुत ही छोटा सा एंगल होता है. कल हमने किया भी था, 1 सेकेंड को कन्वर्ट करके भी देखा था रेडियंस में. हमें पता है 1 सेकेंड मीन्स 1/3600 degree. जैसा वो आवर्स मिनट का कंसेप्ट होता है वैसा ही यहाँ पर होता है ना. तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 degree, और 1 degree में होते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 radians. तो ये हमने कन्वर्जन यूज किया था. उसके बाद में हमें पता चल जाता है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस. अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियंस में आ जाएगा. सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस यू विल नो. ठीक है, सो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस इतना आएगा या फिर नहीं. कैसे, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है प्लेन एंगल का, कि जो एंगल होता है वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. दिस इज आर्क लेंथ, ऑल राइट. अब आर्क लेंथ क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है, इसको मान लेते हैं कैपिटल डी, ऑल राइट. और ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल तो हमने माना है ना 1 सेकेंड का एंगल बनना चाहिए. ठीक है, सो 1 सेकेंड को आप रेडियंस में लिखेंगे जब कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिवाइड करना है 1 सेकेंड से, लेकिन ये रेडियंस में होना चाहिए. ठीक है, सो कन्वर्ट करके देखना 1 सेकेंड को रेडियंस में, वो वैल्यू यहां पर यूज करना. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता है क्या होता है, हमने डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतने मीटर्स के इक्वल है. सो योर आंसर शुड बी दिस, आपका आंसर ये आना चाहिए जो कि आएगा. ठीक है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये जो यूनिट्स हैं ये क्या है, हम जब लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑल राइट. सेकेंड हमने की लाइट ईयर. जब लाइट हमें पता है बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, तो 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है. ठीक है, और फिर हमने किया है लास्ट पार्सेक हम जिसको कह रहे हैं. ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं तीनों यूनिट्स को एक साथ. ठीक है, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज लाइट ईयर एंड दिस इज पार्सेक. अब इनकी वैल्यू सिम रिप्रेजेंटेशन ऐसे यूज करते हैं. ए यू लाइट ईयर के लिए LYR ऐसे लिख सकते हैं, पार्सेक के लिए PC. ठीक है, ये देखने को मिल सकता है, ये एब्रीवेशन है. एंड कन्वर्जन, अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने मीटर्स होते हैं. ठीक है, फैक्टर देखो बस, फैक्टर क्या है, 10⁻¹ का. लाइट ईयर में क्या फैक्टर आ गया, 10⁻¹⁵ का. ऑब्वियसली लाइट ईयर उससे बड़ा है, और अगर हम पार्सेक में गए तो 10⁻¹⁶ का. सो मैं कह सकता हूं कि 1 PC यानी कि 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर, एंड 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में से कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है,
राइट, या फिर कौन सी यूनिट सबसे छोटे है। सो हमें पता होना चाहिए कि पार्सेक इज द ग्रेटेस्ट यूनिट इन तीनों में से एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द स्मॉलेस्ट वन, अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो। करेक्ट है, कन्वर्ट भी कर सकते हैं बट इतना करने की जरूरत नहीं कि पार्सेक को कन्वर्ट किया हुआ है लाइट ईयर में और पार्सेक को कन्वर्ट किया हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, तो आप कन्वर्जन यूज कर सकते हैं ओके, बट इसकी जरूरत नहीं है, ना ही इन वैल्यूज को लर्न करना है, इनके मीनिंग हमें समझने हैं ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीनिंग क्या है कि अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, लाइट ईयर का मीनिंग आपको पता है, पार्सेक का मीनिंग जब 1 सेकेंड का एंगल बनाए अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओके, यहां तक हमारा क्या फिनिश हो गया, हमने देखा कि स्मॉल डिस्टेंसेज लार्ज डिस्टेंसेज की यूनिट्स कवर की हैं, कुछ जो स्पेशल यूनिट्स हैं राइट, ये एसआई सिस्टम में नहीं है, ये एक्स्ट्रा ही हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हम यूज करते हैं। अब न्यूक्लियस के साइज को मेजर करना है तो बार बार 10^-15 नहीं लगाएंगे, हम फर्मी वर्ड को यूज कर लेंगे। अगर एटम के साइज को डिस्कस करना है तो हम एंगस्ट्रॉम वर्ड को यूज कर लेंगे, है ना, बार बार 10^-10 नहीं बोलेंगे। बट एक्चुअल में हमें मेजर तो करना ही है और हमें पता है वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गोज हमें हेल्प नहीं करने वाले, है ना, ये छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गोज काम नहीं आएंगे, तो हमारे काम क्या आएंगे, माइक्रोस्कोप। ऑल राइट, हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं जब हमें बहुत ज्यादा छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करना हो। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या यूज करता है, ये यूज करता है लाइट को, ये क्या यूज करता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करता है लाइट को, और ऑब्वियसली लाइट की जो वेवलेंथ होती है ठीक है, लाइट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इस रेंज में होती है लाइट की वेवलेंथ ओके। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, आपको पता है ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइट को ही यूज करता है छोटे पार्टिकल्स के साइज को मेजर करने के लिए ठीक है। और जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो होती है इस रेंज में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस रेंज, इस रेंज में रहती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, वेवलेंथ का कहां हमें इंपॉर्टेंस है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर कोई भी माइक्रोस्कोप राइट, वो वेव्स को जब यूज करते हैं टू मेजर डिस्टेंसेस ठीक है, जब वो वेव को यूज करते हैं तो जो उस वेव की वेवलेंथ होती है मिनिमम और मैक्सिमम ठीक है, उसी रेंज के साइज, जब साइज ऑफ पार्टिकल इसी रेंज में होगा ना, जिस रेंज में वेवलेंथ है लाइट की, तो उन पार्टिकल्स के साइज को वो मेजर कर सकता है इजीली। अगर उससे ज्यादा स्मॉल अगर पार्टिकल्स का साइज हुआ, फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो साइज है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा छोटा पार्टिकल हो गया, अगर साइज और भी ज्यादा स्मॉल हो गया और ये इस रेंज में लाई ही नहीं कर रहा, तो वी कांट यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द साइज ऑफ दिस पार्टिकल ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो भी रेंज है हम यहां पर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट को ही यूज करते हैं, तो हम लाइट की ही वेवलेंथ को देखेंगे ठीक है। जो भी वो रेंज है, अगर पार्टिकल का साइज उस रेंज में है तो हम उस पार्टिकल के साइज को मेजर कर सकते हैं, अगर पार्टिकल का साइज उस रेंज से भी ज्यादा स्मॉलर है तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट ठीक है। अब नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9, अगर हम देखें 400 नैनोमीटर, तो नैनो मीन्स 10^-9 मीटर, हम इसे लिख सकते हैं, अब तो नैनो लगाने की जरूरत नहीं है, 10^-9 आ गया, और हम इसे अगर लिखें सो इट विल बिकम 4×10^, अब ये 100 हम यहां ले जा सकते हैं, तो इट विल बिकम 10^-7 मीटर्स राइट, या फिर इसका हम इतना यूज नहीं होगा, हम इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 10 से मल्टीप्लाई और 1 10 से डिवाइड ठीक है, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 से डिवाइड भी कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4000, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा आ गई, और डिवाइड किया तो 10^-10 बन जाएगा विच मीन्स एंगस्ट्रॉम, 10^-10 का मीनिंग होता है एंगस्ट्रॉम ठीक है। तो 400 नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम,
इसे हम एंगस्ट्रॉम में लिख देते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये बन जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यानी कि हम इतने बड़े अगर साइज हुए, अगर इतना बड़ा साइज हुआ किसी पार्टिकल का, तब तो हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है एटम का जो साइज होता है, अगर हम एटम देखें, हाइड्रोजन एटम हमने देखा तो वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर हमने देखा पार्टिकल ऑफ साइज, साइज ऑफ पार्टिकल अगर इस रेंज में है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम में लाई कर रहा है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एटम जैसे इस रेंज में लाई नहीं कर रहा, तो कहने का मतलब ये कि एटम्स का साइज तो हम मेजर नहीं कर सकते ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करके। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लाइट वेव को यूज कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ ये है, तो हमें इस वेव लाइट को ही चेंज करना होगा, इस लाइट को हमें रिप्लेस करना होगा विद इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, हम इसे रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से और एक नए टाइप का माइक्रोस्कोप बनाते हैं, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बट एक पार्टिकल होते हुए भी वो किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है लाइट के बारे में भी, कि लाइट इज अ वेव, लेकिन वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, तो उसका ड्यूअल नेचर होता है। तो सिमिलरली जो पार्टिकल होते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है बट वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, राइट? तो जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, तो उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो आ जाती है एंगस्ट्रॉम्स में, यानी कि हम कह सकते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम, यानी कि जैसे 1/4 ऑफ एंगस्ट्रॉम, कुछ इतना मेजर कर सकते हैं। ऑल राइट, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा और उसकी वेवलेंथ लगभग इतनी हमें होती है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एन एंगस्ट्रॉम हम कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। नाउ हाइड्रोजन एटम का जैसे हमने साइज कहा था वो होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, वो अब फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम से तो बड़ा ही है, राइट? अगर हम वेवलेंथ इस रेंज में लाई कर रही है, तो इसका मतलब अगर पार्टिकल का साइज भी उससे बड़ा है तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके हम एटम्स के साइज को मेजर कर पाएंगे, बट अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करते तो हम नहीं कर सकते थे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। हम कितना रिजॉल्व कर सकते हैं, कितना ज्यादा छोटा साइज हम मेजर कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेवलेंथ कम हो जाती है, तो हम साइज के पार्टिकल भी कम हो जाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट इज आवर टॉपिक। ओके, वेट, ओके, दिस इज डन। अब हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि मॉलिक्यूलर साइज मेजर करना ऑलिक एसिड का, ऑलिक एसिड का जो कि एक सॉपी लिक्विड होता है विद लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। अब यही क्यों उठाया गया ऑलिक एसिड को ही, अगर इसका मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो इतना बड़े साइज का मॉलिक्यूल होता है, बहुत इसका बाकी एसिड्स या बाकी कंपाउंड के कंपेरिजन में इसके एक मॉलिक्यूल का साइज ही बहुत बड़ा होता है, तो अगर साइज बड़ा है तो मेजर करने में हमें आसानी होगी, राइट? सो इसीलिए हम एक ऑलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट करते हैं, करने में भी आसान है और इसके मॉलिक्यूल्स का साइज भी इतना बड़ा है कि हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सॉपी लिक्विड होता है विद लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है जो कि हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है याद रखने की, इट इज जस्ट टू शो कि ये बहुत बड़ा होगा साइज में। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम डिसॉल्व करेंगे 1 cm³ ऑफ ऑलिक एसिड इन एल्कोहल। ठीक है, हमने क्या करना है, 1 cm³, बिल्कुल इतना ही ऑलिक एसिड लेना है, ठीक है, और उसे डिसॉल्व कर देना है एल्कोहल में। सो दिस इज एल्कोहल, ओके, और ये कितना होना चाहिए, 1 cm³ का तो ये था, उसे डिसॉल्व कर दिया इन एल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 cm³। अब ये बन गया सॉल्यूशन, कितना, 20 cm³ का सॉल्यूशन बन गया, ऑलिक एसिड इसमें डल गया और एल्कोहल ये ऑलरेडी थी, ठीक है, 20 cm³। अब हम यहां से क्या करेंगे, फिर से 1 cm³ उठाने वाले हैं इस सॉल्यूशन में से। ऑल राइट, देखो 1 cm³ का जो ऑलिक एसिड था वो तो स्टार्टिंग में सिर्फ यहीं पर था, वो डिसॉल्व हुआ है इतनी सारी एल्कोहल में, तो ऑलिक एसिड तो बहुत कम हो जाएगा, उसकी कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अब उसमें से भी हमने 1 cm³ को उठाया और दोबारा से उसे डाइल्यूट कर दिया है सेम
अल्कोहल लेंगे, ठीक है, और फिर से एक 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एक बार तो इसकी कंसंट्रेशन यहां कम हुई और एक बार इसकी कंसंट्रेशन फिर दोबारा से कम हो गई, ठीक है। सो कंसंट्रेशन क्या हो गई, देन टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट इट टू 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग एल्कोहल। तो हमने दोबारा से किया, ये सेकेंड स्टेप था। नाउ थर्ड स्टेप इज, सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन नाउ इज, अब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी कि इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन हमें किसकी बतानी है, अल्कोहल की नहीं बतानी है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड, ठीक है, ऑलिक एसिड की ही कंसंट्रेशन हमें बतानी है। हमने स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया था और वो 20 सेंटीमीटर क्यूब में डिजोल्व किया, तो 1/20 वहां हुई, ठीक है, और फिर एक बार फिर से 1/20 हम कर रहे हैं यहां पर क्योंकि उसे 20 सेंटीमीटर क्यूब में ही हमने डिजोल्व किया। सो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड नाउ, ठीक है, यहां पर हम कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं 1/400 क्योंकि 20 × 20, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसकी कंसेंट्रेशन है, ऑलिक एसिड की, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऑलिक एसिड सिर्फ इतना है इस कंसेंट्रेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब हमें वाटर लेना है एक ऐसे बाउल के अंदर, ठीक है, यहां पर वाटर ही है और उस पर लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। अब इस पाउडर का कोई काम नहीं है, ये एक लेयर बना लेगा वाटर के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम डालेंगे ऑलिक एसिड के ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये पाउडर क्या करेगा, उस एसिड को वाटर में डिजोल्व होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ यही यूज है, लाइकोपोडियम पाउडर को हमने यहां पर स्प्रिंकल कर देना है ऑल ओवर द वाटर, तो ये एक लेयर बना लेगा, ठीक है। नाउ वी विल ड्रॉप n ड्रॉप्स ऑफ ऑलिक एसिड, जो हमने ऑलिक एसिड बनाया था ना, एक बार अल्कोहल में डाला फिर दोबारा से अल्कोहल में डाला, सो वो जो सॉल्यूशन था उसकी हमने कितनी ड्रॉप्स डालनी है, n ड्रॉप्स, ठीक है। अब एक जो ड्रॉप होगी, जब एक ड्रॉप डालेगी तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी ना, है ना, सो दैट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज v। और अगर हमने ऐसे ऐसे कितनी ड्रॉप्स डाली, 2, 3, अगर 3 ड्रॉप डाली तो कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, टोटल 3 टाइम्स ऑफ v। अगर हमने n ड्रॉप्स डाली तो वॉल्यूम हमने कितनी डाल दी, n मल्टीप्लाइड बाय v, है ना। एक ड्रॉप की हमने वॉल्यूम मानी है, एवरेज अप्रोक्सीमेट वो है v, तो n ड्रॉप्स की वॉल्यूम हो जाएगी n इंटू वी, राइट। ऑलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड्स इंटू थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिकुलर थिकनेस। अब इसे यूज करने का पर्पज यही है, जैसे हम इसके अंदर ऑलिक एसिड डालते हैं तो वो कुछ इस तरह से एक लेयर बनाएगा, और क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स का साइज खुद का ही इतना बड़ा साइज है कि वो जो एक लेयर बनती है वो मोनो मॉलिक्यूलर ही होती है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आ पाता है ऑलिक एसिड का, ठीक है, ये सिर्फ एक ही एसिड है। तो अगर मैं उसकी थिकनेस को मेजर कर लूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने एक तरह से ऑलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर मेजर कर लिया है, राइट। ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, तो हमने जैसे उसे स्प्रेड किया, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, तो वो इस तरह से एक सर्कुलर शेप बना लेगा। नाउ वी विल सी हाउ, कुछ इस तरह से हमने वाटर लिया था, अब ये जो है लाइकोपोडियम है ऑन वाटर सरफेस, लाइकोपोडियम का कोई काम नहीं है, एक पाउडर है, ओके, येलो से कलर का ये पाउडर होता है जो कि प्रिवेंट करेगा इस ऑलिक एसिड को वाटर में मिक्स होने से, ठीक है, अदरवाइज एसिड और वाटर रिएक्ट भी कर सकते हैं ना। नाउ दिस एसिड, जैसे हमने एसिड को यहाँ पर डाला तो वो एक सर्कुलर सा, रफली एक सर्कुलर पैच बना लेगा, ठीक है, हमने सिर्फ एक ड्रॉप नहीं डालनी, बहुत सारी ड्रॉप्स डालनी, n ड्रॉप्स, है ना, टोटल n ड्रॉप्स हम डाल रहे हैं, तो वो एक सर्कुलर पैच बना लेगा, उसका डायमीटर हम मेजर कर लेंगे, मतलब इस सर्कुलर पैच का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है जो भी ये पैच बनेगा, है ना। अब ये जब एक्सपेरिमेंटली किया जाता है तो ये कैसा नजर आता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। अगर ये क्लियरली आप देख पा रहे हैं, ऑल दो शायद इतना क्लियर ना हो, ठीक है, सो दिस इज द बीकर, और जो भी हम कह सकते हैं कंटेनर है जिसमें वाटर था, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का है साइडों में, ये क्या है, लाइकोपोडियम पाउडर ही है, और ये जो रफली जहां पर हमें क्लियर सा नजर आ रहा है, दिस इज द
सर्क्यूलर पैच फॉर्म्ड बाय ऑलिक एसिड, ये ऑलिक एसिड ने ही बनाया है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली कुछ ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हम ऊपर से टॉप व्यू देख पा रहे हैं उस ऑलिक एसिड का, अगर हम साइड से देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि ऑलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मोनोलेयर ही फॉर्म करेंगे, लगभग वो एक मोनोलेयर ही बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी थिकनेस को मेजर कर लें, ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इस कंप्लीट ऑलिक एसिड जो यहां पर हमने डाला है क्या होगी, ये एरिया, इस सर्कल का एरिया इनटू में थिकनेस टी, है ना, वो इसकी वॉल्यूम होनी चाहिए, है ना। तो वही हम यूज करेंगे यहां पर, हमने बताया कि हमने n ड्रॉप्स डाली हैं, ठीक है, और एंड ईच ड्रॉप इज ऑफ वॉल्यूम v, ये चीज हमें पता है, राइट। अगर हम उस पैच से देखते हैं तो हमें पता है कि एरिया उसका a है, थिकनेस उसकी क्या है, t है, राइट। तो ये भी क्या है, वॉल्यूम है, ये भी क्या है, वॉल्यूम है, ऑल राइट। और हमने एक वॉल्यूम स्टार्टिंग में भी बताई थी कि ऑलिक एसिड की वॉल्यूम कितनी है, इसको हम इक्वल नहीं रखेंगे, बट हमें पता है कि वो जो सॉल्यूशन में मिक्स की थी उसमें ऑलिक एसिड कितना था, 1/400 cm³, है ना। एक वॉल्यूम मतलब ऑलिक एसिड सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ऑलिक एसिड हमने स्टार्टिंग में 1 cm³ लिया, उसे अल्कोहल में डिसॉल्व किया, फिर उसे दोबारा से अल्कोहल में डिसॉल्व किया, उसकी वॉल्यूम 1/400 cm³ हो चुकी है, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहां पर, अगर हमें थिकनेस पता लग जाए तो हमें ऑलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का साइज पता लग जाएगा, अगर हमें थिकनेस पता लगे। सो दिस थिकनेस वी हैव टू फाइंड, ये जो थिकनेस है ये हमें निकालनी है। एरिया हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे, ठीक है। कितनी ड्रॉप्स हमने डाली हैं ये भी हमें पता है, है ना, 7 drops, 10 drops ये हमने काउंट की हैं, ठीक है। और अब एक ड्रॉप की हम वॉल्यूम कितनी माने, एक ड्रॉप में हम रफली क्या एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम होगी, ये n इंटू में v ड्रॉप्स हैं, मतलब n ड्रॉप्स थी, v वॉल्यूम थी, लेकिन v वॉल्यूम तो कंप्लीट उस ड्रॉप की थी, उसमें एल्कोहल भी आ गया, उसमें ऑलिक एसिड भी आ गया, सो मुझे इस v को मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलिक एसिड तो सिर्फ 1/400 ही है ना। सो इस v को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 1/400 से, दिस इज n, ऑल राइट, इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस टी। थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है, टी क्या हो जाएगा, एक साइड रखेंगे, एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, एन वी न्यूमरेटर में होगा 400 इंटू ए एरिया, दिस विल बी आवर फॉर्मूला, ऑल राइट, दिस इज फॉर थिकनेस। अब कुछ भी नहीं है, हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। हमने ऑलिक एसिड को लिया 1 cm³ स्टार्टिंग में, उसे अल्कोहल में डिसॉल्व किया, 20 cm³ का सॉल्यूशन बनाया, वहां से फिर से हमने 1 cm³ की एक ड्रॉप ली और उसे दोबारा से हमने डाइल्यूट किया 20 cm³ का सॉल्यूशन में ही। सो कहने का मतलब कि ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन हो गई 1/20 और फिर से 1/20 यानी कि 1/400 cm³, ठीक है। सो ये हमने किया, कंसंट्रेशन ऑलिक एसिड की इतनी हो गई। उसके बाद में हमने वाटर पर क्या स्प्रेड किया, लाइकोपोडियम पाउडर को, और उसके बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने डाला ऑलिक एसिड, हमने टोटल n ड्रॉप्स डाली और एक ड्रॉप की वॉल्यूम है लगभग v। अब आप जो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं उसमें कंप्लीट ऑलिक एसिड तो नहीं है ना, उसमें एल्कोहल मिक्स है, राइट। सो दिस वॉल्यूम v इज नॉट कंप्लीटली ऑफ ऑलिक एसिड, जो हम n ड्रॉप्स को हमें पता है 10 ड्रॉप्स डाली, मान लीजिए टोटल 10 ड्रॉप्स डाली, है ना। सो जिसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो ड्रॉप की वॉल्यूम है, और उसके अंदर सिर्फ ऑलिक एसिड नहीं है, उसमें अल्कोहल भी है। तो इस वॉल्यूम को हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1/400 के फैक्टर से, जो हमने किया भी है यहां पर, ठीक है। तो इस वॉल्यूम वी को हमने 1/400 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इस वॉल्यूम में सिर्फ 400 जो पार्ट होगा वो ऑलिक एसिड का है, बाकी सारा ही अल्कोहल है, ठीक है। एंड ड्रॉप्स डाली हैं, एरिया और थिकनेस को मल्टीप्लाई किया, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, फाइनल रिजल्ट इज दिस, ठीक है। जो थिकनेस है वही एक्चुअल में क्या है, ऑलिक एसिड का साइज है, ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज है, क्योंकि वो मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बना रही है, ऐसा हमने
एज्यूम किया है. ऑल राइट, नाउ वी विल डिस्कस रेंजेस ऑफ मासेस. अभी हमने लेंथ का जो टॉपिक है कंप्लीट कर लिया है. हमने लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा. आज हमने लेंथ के कुछ यूनिट्स को डिस्कस किया, स्मॉल यूनिट्स भी और लार्ज यूनिट्स भी. उसके बाद में ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज कैसे मेजर करते हैं वो हमने देखा. उसके बाद में मास के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में, फिर टाइम के बारे में भी दिया गया है कि हमें एग्जैक्टली इन्हें कैसे मेजर करना है. बट उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेंज को समझना काफ़ी है कि मास किस रेंज में वेरी करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन के पार्ट्स हो सकते हैं. जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल बट इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है अगर आपने देखा हो तो 9.1 लगता है शायद इंटू 10^10 हम -31 यूज करते हैं. ऑल राइट, तो जो रेंज होती है वो 10^-30 की होती है इलेक्ट्रॉन के मास की. फिर प्रोटॉन के मास के साथ में 10^-27 रेन ड्रॉप. ह्यूमंस का जो मास होता है, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियां, व्हीकल्स, मून का मास, अर्थ का मास, सन उनसे भी हैवी हो जाएगा, गैलेक्सी और जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 10^55 kg, जितना यूनिवर्स अभी ऑब्जर्वेबल है, जितने प्लैनेट्स, स्टार्स है ना, उन सभी का मास मिलाकर 10^55 kg. तो सेम गोज विद मास. मास में भी हमारे पास छोटे से छोटे मास लेकर बहुत बड़े से बड़े मास भी हैं मेजर करने के लिए. तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होने चाहिए टू मेजर मास. ठीक है, अब जो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम डिस्कस नहीं करें, पहले हम स्मॉल साइज के मासेस को डिस्कस करते हैं. अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है या फिर एक प्रोटॉन है, ठीक है, हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मासेस होते हैं. अभी इलेक्ट्रॉन का मास लिखा था 9.1 × 10^-31 kg. तो किलोग्राम्स में लिखना इसको बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, है ना. अगर एक हाइड्रोजन एटम का मास पूछ लिया जाए, वन हाइड्रोजन एटम, तो मुझे पता है वो क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. सो प्रोटॉन का मास लिखो यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रॉन का मास लिखो केजीज में, फिर वो फाइनल रिजल्ट हमारा केजीज में आएगा. सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इतने छोटे छोटे मासेस को किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए. तो हम स्मॉल मासेस के लिए एक और यूनिट को यूज करते हैं, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना. एटम्स के मासेस को हम इसी में मेजर करते हैं. जैसे हाइड्रोजन एटम का मास क्या है, 1 AMU. अब ये कितना सिंपल हो गया बोलने के लिए, 1 AMU, बट दिस इज नॉट इन kgs, है ना, ये तो 1 एटॉमिक मास यूनिट है. अब इसका मीनिंग क्या है वो हमें समझना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMU? ये होता है 1/12. अब अगेन हमें यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड सेट करना था, कोई ऐसी चीज़ जो बार बार चेंज ना हो. तो हमने क्या किया, 1/12 किया मास ऑफ कार्बन 12 एटम. अब ऐसे तो कार्बन के भी अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, C6 12, जैसे हम पढ़ते हैं तो C6 14 भी है. ठीक है, बट हमने पर्टिकुलरली इसी आइसोटॉप की बात करें, इसकी नहीं कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कार्बन 12. ठीक है, कोई भी और आइसोटॉप हम नहीं लेंगे कार्बन का, कार्बन 12 ही यूज करेंगे. उसका सिर्फ एक एटम जो है उसका क्या कर देंगे, 1/12. ठीक है, उसका हमने क्या किया, 1/12 जो पार्ट हुआ उसे कह दिया वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, अब कार्बन 12 के एटम के मास को देखा गया कि किलोग्राम्स में कितना आता है. ठीक है, फिर उसका 1/12 किया और फिर हमें मिला 1 AMU. अब वो कितना होता है, 1.66 × 10^-27 kg. तो 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ kg. ठीक है, जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन एटम का मास ये है. ठीक है, या फिर सोडियम का, किसी भी ऑक्सीजन का मास हमने कहा 16 AMU है. ठीक है, तो वो देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है 16 AMU, लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि 16 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस फैक्टर से, तब हमें पता लगेगा कि केजीज में क्या है, 1.66 × 10^-27 kg. ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट मासेस ऑफ स्मॉलर
ऑब्जेक्ट्स या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स जिनका मास बहुत ही कम होता है, ऑब्वियसली हम केजी यूज कर सकते हैं, बट हम क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए उसे लिखना भी और याद रखना भी। जैसे अब ऑक्सीजन का हमें 16 AMU याद रहता है कि हाँ इतना होता है, लेकिन अगर ये नंबर याद रखना पड़ेगा तो हम कभी नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। तो इसीलिए AMU को या फिर इन छोटे यूनिट्स को हम इसीलिए इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर बड़ी यूनिट्स को भी, ताकि वो नंबर्स जो हैं वो कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स सी, आई थिंक यस। सो टुडे वी डिस्कस्ड हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेज। हमने देखा कि स्मॉलर डिस्टेंसेज को कैसे मेजर करना है, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। डिफरेंट यूनिट्स देखी हमने लेंथ की, जैसे कि फर्मी, ओके फर्मी हमने देखा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम हमने देखा, और बड़ी, ये तो स्मॉलर यूनिट्स हैं, तो हमने बड़ी यूनिट्स भी देखी, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखी हमने, वन लाइट ईयर क्या होता है, ओके वन पार्सेक, ओके वन PC, और लाइट ईयर के लिए LYR, राइट। तो ये सब हमने यूनिट्स कवर की, जो स्पेशली हम ऑब्वियसली हम डेली लाइफ में इतना नहीं देखते हैं, बट दीज आर ऑल्सो यूनिट्स ऑफ लेंथ। उसके बाद में हमने बात की रेंज ऑफ लेंथ एंड मास, ओके लेंथ और मास की हमने रेंज के बारे में डिस्कशन की, और मास की हमने यूनिट डिस्कस की AMU, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हमें क्यों चाहिए ये यूनिट। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आई गेस एरर्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट टॉपिक अभी चल रहा है, इससे पहले हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो अभी हम मेजरमेंट पर ही हैं। मेजरमेंट जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर भी आता है, तो इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एरर्स। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।